हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दैट पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट टू। तो और इसमें हम देखेंगे पाइथन के सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, हमने इस वेबसाइट पे आ जाना है, W3Schools, और सिंटैक्स को जानना है। ठीक है, टॉपिक पर आना है। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह से पाइथन को मतलब फॉर्मुलेट करना है, मतलब किस लिहाज से आपने को पाइथन को लिखना है। मतलब सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ यार मैंने ये चीज़ प्रिंट करवानी है, ठीक है, या मैंने ये कोड लिखना है इस लिहाज से, तो सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स का मतलब होता है कि टाइप क्या होगी। ठीक है, तो ये तो कमांड लाइन है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे जाते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा इफ एल्स का ये कोड आ गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाता हूँ। इस वीडियो में हमने तो ये दो चीज़ देखनी, प्रिंट करवाना सीखा था और हमने सिस्टम कोड किया था, और हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, तो हम कोड की तरफ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले इस कोड को समझेंगे। ठीक है, पहले मैं इधर इसको कर देता हूँ, इसको पहले कोड को रन कर लेते हैं। ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोड में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़। इफ़ का मतलब है कि सिंटेक्स, इफ़ एल्स के सिंटेक्स जो होते हैं ना, वो इस तरह से इस्तेमाल होता है कि इफ के बाद हमने लिखना है 5। सॉरी, मतलब हम चाहते हैं कि हम अगर हम किसी दो नंबर के दरमियान में ये दो नंबर के दरमियान देखना चाहते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। आई मीन के ये देख रहे हैं 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन का मतलब है कि ये कंडीशन का मतलब है ये शर्त है, ये अगर ये शर्त पूरी होगी तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, ये प्रिंट होगा। ठीक है, जो भी आप लिखोगे ये प्रिंट हो जाएगा अगर ये शर्त पूरी होगी। अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर ये ट्रू होगा, ट्रू का मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है कि एक सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिकली इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन प्रिंट लेगा। ठीक है, चलेगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। सबसे पहले सिंटेक्स क्या है इसका, तो सिंटेक्स में हमने इफ़ लिखना है, उसके बाद 5 लिखना है, नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमने इस ग्रेटर देन का साइन डालना है, फिर 2 लिखना है। ठीक है, 2 लिखने के बाद हमने ये एक दो जो शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट, और अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ अपना कीबोर्ड दिखाऊँ यहाँ पर, तो वेट अ मिनट, बड़ा ये हमारे पास शिफ्ट है, ये सॉरी ये एंटर है, ये शिफ्ट है। इसको हमने क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके हमने ये क्लिक करना है। ये अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ना, मैं अगर यहाँ पर कीबोर्ड प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको क्लिक करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, उसके हमारे पास जो भी कंडीशन होगी वो हमें लिख देनी है। ठीक है, अगर ये ट्रू है 5, हाँ 5 जो है ये 2 से बड़ा है, ये ट्रू हो गया, तो ये प्रिंट हो जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये समझ में आ गई। इसको हम थोड़ा सा हाथों से कर लेते हैं, दो तीन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो ये है, थोड़ा सा कोई और कोड हम देख लेते हैं। इफ़ ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन में। ठीक है, तो इफ के बाद एक स्पेस देने हैं, और यहाँ लिखना है 1 इज ग्रेटर देन 2। ये लिखने के बाद शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको बेसिकली हम कहते हैं कॉलन। ठीक है, ये पंक्चुएशन है, इसको कॉलन कहते हैं। तो जैसे आप ये कॉलन डालना है, आपने एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं, PRINT प्रिंट, फिर उसके बाद हमने शिफ्ट प्रेस करके दो
अच्छा यहाँ पर शायद मेरा थोड़ा माइक ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा यहाँ पर क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें ये प्रिंट कर देगा, यहाँ लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर देखा जाए ये ट्रू है तो हमें यहाँ पर प्रिंट कर देगा 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर ये देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है, ये प्रिंट कर देगा 5 इज ग्रेटर देन 2, ये भी इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये थोड़ा सा आगे करके प्रिंट हो रहा है। अगर मैं दोबारा देखूँ, ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये आगे करके प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पर जो चीज़ भी लिखता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगर मैं अगर इसके बाद ये चीज़ जो है ये वाली लाइन वो मैं दोबारा लिखता हूँ इसके बाद, तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये तो मुझे यहाँ पर लेके जा रहा है, मतलब मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो मतलब ये मुझे थोड़ा सा स्पेस, इसके अंदर थोड़ी स्पेस इतनी है, ये जितनी इतनी स्पेस है, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ा काफ़ी आगे, इसकी काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है ना ये इसके अंदर नहीं है, मतलब कि ये जो कंडीशन है ना ये कंडीशन, ये अगर फॉल्स भी होगा ना तब भी प्रिंट होगा क्योंकि इसके साथ है ही नहीं, ठीक है। मैं अगर इसको करता हूँ 5 इज़ लेस देन 2 तो ये कंडीशन फॉल्स, लेकिन ये फिर भी प्रिंट हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर चलो मैं इसको आगे कर देता हूँ, मैंने इसको इतना आगे कर दिया, अब देखते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा इससे फ़र्क नहीं पड़ता आगे करने से, लेकिन पीछे करने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इतनी जगह स्पेस छोड़ है, कितनी, ये दो लाइन, दो दो स्पेसेस की जगह छोड़ है, लेकिन दो स्पेसेस की जगह अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो फिर चलाता हूँ तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट बाहर आ गया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से ये चीज़ समझाता हूँ। आप जब C++ में कोड करते हैं ना, ठीक है, C++ में जब कोड करते हैं तो क्या करते हैं, ये लिखते हैं इफ 3 इज ग्रेटर देन 4, ये C++ कोड है, पाइथन कोड नहीं है इसलिए इसको ना देखें, ठीक है, लिखना नहीं है इसको। तो क्या हम कहते हैं ब्रैकेट्स डालते हैं, ब्रैकेट्स यूँ डालते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं सी आउट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं 3 इज ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर GREA ग्रेटर देन 2, 2 कर लेता हूँ, ठीक है, 2, ठीक है। ये है C++ का सिंटैक्स, ठीक है, 3 इज 3 सॉरी 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये C++ का कॉन्टेक्स्ट का सिंटैक्स है जिसमें दो ब्रैकेट्स आती हैं। अब पाइथन में अगर ये चीज़ मैंने लिखनी है, पाइथन में मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, पाइथन में अगर लिखनी है तो मैं लिखूंगा इफ, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2, फिर उसके बाद दो कॉमास, फिर उसके बाद यहाँ लिखूंगा प्रिंट 3 इज ग्रेट GRE ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये है सिंटेक्स पाइथन का। अब यहाँ से अगर मैं पीछे चला जाता हूँ ना पीछे, तो ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। फॉर अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर, अगर सी प्लस प्लस में अगर मैं इसको ब्रैकेट से बाहर करूँ तो वो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पाइथन में करता हूँ, अगर मैं ये चीज़ पाइथन में करता हूँ तो मेरे पास अगर पाइथन में ये अगर पीछे की तरफ चला जाएगा ना, ये थोड़ा सा ये आगे है तो ये ठीक है, अगर ये आगे है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है कुछ इस तरह से, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये ब्रैकेट से बाहर चला गया, ठीक है, ये ब्रैकेट से क्या हो गया, बाहर चला गया, तो ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ठीक, तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो हालांकि ब्रैकेट सी प्लस प्लस में ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखते हैं ना, फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है, ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखते, आउट प्रिंट नहीं करवाते, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखना है, सिंटेक्स में थोड़ा सा ये होगा कि जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद ये स्पेस, दो लाइनों की स्पेस जो है ये छोड़ देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझना है। मैंने जैसे इस पर लिख दिया, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ कोड को, तो ये चल जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से मैं जैसे ही इसको यहाँ से पीछे करूँगा, जैसे ही इसको चलाऊँगा तो इसका मतलब ये ब्रैकेट बाहर चला गया और ये हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा दोबारा, एक सेकेंड, दोबारा पीछे बैक स्पेस प्रेस करके कर लें या टैब को प्रेस कर लें ताकि टैब क्लिक हो जाए तो खुद ब खुद ये आगे हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद
बाद बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा था कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, और ये थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 लिखा होता कुछ इस तरह से, ठीक है। इफ थोड़ा सा पीछे से यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या कह रहा है, ये इसको भी प्रिंट कर रहा है 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। ये चीज़ प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको जितना आगे कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना मर्जी हमको आगे कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हल्का सा पीछे कर दिया तो क्या होगा, वो ब्रैकेट बाहर चला जाएगा, ठीक है। चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आगे करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे आगे। यू हैव टू यूज़ सेम नंबर ऑफ इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर जो थी वो लिखी हुई है, यू हैव टू यूज़ सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर, पाइथन आपको एरर दे देगा। अब ये जो है ना, ये सिंटैक्स एरर है। अगर आपने प्रिंट करवाया है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, मैं अगली लाइन पर जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है। उसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये एरर देगा, क्योंकि हमने अगर ऊपर प्रिंट इस तरह से करवा दिया, ठीक है, इस तरह से प्रिंट करवा दिया, तो हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक स्पेस आगे दे दी तो इसका मतलब ये भी ब्रैकेट से बाहर चला गया, ठीक है। ये अगर मैं इसको एक स्पेस पीछे दे देता हूँ तो क्या होगा, ये ब्रैकेट से बाहर चला गया, ये ब्रैकेट से बाहर चला गया है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं खपना, ये आगे जाके हम थोड़ा सा समझेंगे तो समझ आ जाएगा। चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था, ये जैसे पीछे प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, ये ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा, तो ये हमें एरर देगा, ठीक है ना। ये अगर ब्रैकेट से बाहर चला भी गया तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो हमें क्या दे रहा है, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। अब क्या हो रहा है कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 इस बार हमें लेके दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, दोबारा उसको चलाऊँ, तो ये क्या हमें फिर भी देगा 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, ये क्यों दे रहा है। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट हटाता हूँ और मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ये बीच वाली लाइन है, ठीक है, इसको कमेंट आउट का मतलब इसको हटा दूँ, मतलब कि लिखा हुआ होगा कोड लेकिन हमें ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसको इस तरह से कमेंट, तो ये हमें एरर दे देगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ इस ब्रैकेट के लिए है, ठीक है ना। अगर ये, अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ को, इसको समझाने के लिए। ये लोड हो रहा है, क्यों टाइम ले रहा है, क्यों टाइम ले रहा है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसा से कह सकता हूँ कि अगर मैं इसकी कंडीशन चेंज कर दूँ, देखो इस कोड को समझें, इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ का मतलब है कि इफ़ एल्स कंडीशन इस्तेमाल हो रही है। इफ़ के आगे जो भी चीज़ आती है कंडीशन होती है, कंडीशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर वो ट्रू होगी तो वो क्या होगा, ये वाली प्रिंट की स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। अब ये क्या है, 5 लिखा हुआ है, 5 जो है वो बड़ा है 2 से ही है, हालांकि 2 है, तो ये चीज़ चलना शुरू होगी। लेकिन अब मैं यहाँ से इसका साइन चेंज कर देता हूँ, इस लेस देन करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कोड कोड लगाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। अब ये क्या हुआ, 5 इज़ लेस देन 2, ये गलत है, तो ये वाला कोड प्रिंट नहीं होगा, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। कौन सी लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखा, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं ये करता हूँ, इसको मैं करता हूँ एरर, EOOR एरर, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ, देखो एरर शो कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आउट साइड द ब्रैकेट्स, अब यहाँ ब्रैकेट्स होते नहीं है बेसिकली, हालांकि हमें नज़र नहीं आते। अगर सी प्लस प्लस पे अगर ये कोड लिखा होता तो सी प्लस प्लस में कुछ इस तरह की, मैं क्यों बता रहा हूँ सी प्लस प्लस में, क्योंकि सी प्लस प्लस एज अ बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिजिबल है। तो फॉर एग्जाम्पल हम सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इफ़, ठीक है, 5 इज़ लेस देन 2, ठीक है, और हमने यहाँ ब्रैकेट खोल दी और लिख दिया सी आउट, ठीक है, और सी आउट, और हम कुछ इस तरह से करते हैं ए, ठीक है, और हमने ये लिख दिया। अब ये क्या है, ये पीछे की तरफ है, मतलब कि ये ब्रैकेट से बाहर है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, सी आउट, ठीक है,
और ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सी प्लस प्लस में कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये चलना शुरू होगी, ये नहीं चलेगी तो ये, और ये तो चलेगी चलेगी, चाहे ये ट्रू है या नहीं है, पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, ये इफ़ की ये जो कंडीशन है, 5 is less than 2 जो है, ये अगर फॉल्स है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा कि ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। इस अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट नहीं चली, अब क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर आ गए, ये स्टेटमेंट में कोई कंडीशन लगी नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू भी है तब भी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी चलेगी, तो ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि तो अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही कुछ हाल जो है वो इस पाइथन के साथ का है, कि अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, तो ये आउटसाइड द ब्रैकेट से ये चलेगा, और जैसे ही चलेगा तो ये हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, जो ये जो भी यहाँ लिखा होगा, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पाइथन वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स को अगली वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। अल्लाह हाफिज़।